गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात सर्वब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम कालानुसार पृथ्वी का जो समय बताने की कला चल रही है उसमें हम अंग्रेजी वर्षों के अनुसार पूरे पृथ्वी तल पर सारे देशों में इसकी प्रथा ज्यादातर है। माने न माने जिसने अपना प्रभाव बताया है तो उस प्रभाव के अनुसार हम पुराने वर्ष को विदाई करते हुए नए वर्ष का आगमन के उपलक्ष्य में यहाँ सभी लोग समय खड़े हैं। समय में हमारा चल रहा है, हम एक जगह मिले हुए हैं। बहुत दिन हो गए हम सब लोग बहुत सारे कारणवश एक जगह मिलना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यह निखिल चेतना केंद्र का सौभाग्य रहा है कि कोरोना के 3 वर्ष भी हुए हो, यहाँ किसी को न मास्क पहनना पड़ा अगर आए हैं या किसी प्रकार का अवरोध हुआ, यह परम पूज्य सर्वदेव जी की कृपा है। और निखिल चेतना केंद्र गर्व और गौरव के साथ कहता है कि प्रभु सद्गुरुदेव स्वामी शेषान की कृपा है। हम सब लोग एकत्र हुए और कभी इस महामारी से पीड़ित नहीं हुए, और हुए भी हैं तो हम उसके बाहर आए। लेकिन भविष्योत्तर पुराण के अनुसार हो या भविष्य कहने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनकी सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुए, ऐसे नास्त्रदमस हो, यहाँ के वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी हो, और बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि आने वाला 2022 और 23 संसार के लिए बहुत अनिष्टकारक है, ऐसी बीमारियां फैलेगी कि जिसके कारण मनुष्य का 1/4 भाग, प्राणियों का 1/4 भाग चला जाएगा। इन सभी चीजों को दृष्टि में रखकर अगर मैं कहूं तो इन 3 सालों में शायद निखिल चेतना केंद्र ने 3 वर्षों में 100 दिन छोड़कर 265 दिन कोई न कोई रुद्र या चंडी हवन आम आश्रम में किया ही है। और गुरु मंत्र के अनुष्ठान नित्य कोई न कोई किसी भी प्रकार से चलते रहते हैं। परम पूज्य सर्वदेव जी की कृपा है, यहाँ अरे गेरे ऐसे वैसे लोग नहीं आते, केवल साधक आते हैं जो गुरु जी का मंत्र दीक्षा लिए हैं या लेते रहे हैं। इसलिए आज नहीं तो आने वाला कल जरूर बोलेगा कि यह पुण्य भूमि है स्वामी निखिल स्वामी की। यहाँ एक दिन भी ऐसा न गुजरा हुआ हो कि जहाँ गुरु मंत्र ना होता हुआ। मैं गुरुजी से आज्ञा मांगकर जिस उद्देश्य के साथ निखिल चेतना केंद्र की स्थापना का उनसे आज्ञा मैंने मांगी थी, मैं आज अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव बताऊं कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की इस क्षेत्र पर कृपा है और यहाँ निरंतर गुरु मंत्र जप चलते रहता है। अगर मैं कहूँ कि 24 घंटों के दिन में 20 घंटे यहाँ कोई ना कोई जप करते रहता है तो मैं विश्वसनीय हूँ। और यही कारण है कि आज निखिल चेतना केंद्र में कोई आदमी आकर कोरोना से मरा या कोरोना से गया ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा, ना हमने किसी प्रकार, ये कोई गर्व की बात नहीं है, मैं इसे बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ कि हमने मास्क नहीं पहने, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ उन और वो महामारी यहाँ तक आने ही नहीं देते परम पूज्य सद्गुरुदेव जी। और जिनको विश्वास है वो कह दें कि यहाँ आने के बाद हम कोरोना से पीड़ित हुए या कोरोना से पीड़ित हुए या हम जीवित नहीं रह सके, मैं ऐसा नहीं देखा और देखूंगा भी नहीं, ये मेरा विश्वास है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि 2023 तक और भी अनेक प्रकार की महामारियां उत्पन्न होगी और जिसके कारण मनुष्यों में दीनता या उनके हाथ पैर विकलांग हो जाना या किसी प्रकार की मृत्यु होना, इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे या प्रलय होगा या बांध फूटेगा कुछ भी होगा, ऐसे उपद्रवकारी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, ऐसा भविष्योत्तर पुराण भविष्य पुराण कहता है। हम यहाँ निखिल चेतना केंद्र में बैठ कर ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ से मेरा कोई भी साधक जब करके जाए यहाँ से जाए तो आनंद अनुभव करे,
कष्ट नहीं आता ऐसा नहीं कहता, लेकिन कष्ट आता है भी तो वो चला जाता है क्योंकि गुरु कृपा अपने ऊपर है। मैं आपको अगर गुरु कृपा सच ना कहूं तो इस 3 साल में शायद मैं एक स्लॉट स्लीप जिसे कहते हैं ऐसी निद्रा जो हाँ मैं आज बहुत अच्छी ऐसा सोया हूँ 3 साल में नहीं हुआ। कोई ना कोई 11 से 1 बजे में फोन आता है, गुरु जी हमारे बहुत बीमार है, वो थर थर कांप रहा है, भूखा बुखार है। मैं बोलता हूँ मैं देखता हूँ उसकी नींद रही या नहीं रही, लेकिन मेरी नींद तो हराम हो जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ ये मेरा भाग्य है कि मुझे याद कर रहे हैं, परंतु सतगुरुदेव ने मुझे ये कार्य सौंपा है। और मैं जब कहता हूँ तो मैं देखता हूँ तो दो दिन के बाद कहते हैं मुझे ठीक हुआ, लगता है कि अच्छा हुआ। अब ये कार्य बढ़ते बढ़ते 1-3 साल मैंने गुजारे हैं जब से कोरोना आरम्भ हुआ। और मैं चाहता हूँ कि परपूज्य सतगुरुदेव जी हमारे ऊपर ऐसी ही कृपा करते रहें कि हमारे साधक जिन्होंने गुरुचारी ओढ़ी है, जिन्होंने गुरु मंत्र जप किया है, गुरु मंत्र जप कर रहे हैं, उसी को किसी प्रकार की बीमारी उसके ऊपर आवाहित ना हो। आवाहित हो नहीं तो डर के चले जाए जब गुरु मंत्र जप करता है। गुरु जी कहा करते थे, आपने अगर गुरु पूर्णिमा 1997 की आपने गुरु पूर्णिमा देखी है तो गुरु जी ने उसमें एक विशिष्ट मंत्र देने से पहले कहा था, तुम साधक घबराना नहीं, अगर कोई कहे कि तुम्हारे पास मृत्यु आई है तो उसको कहना कि हमारे बगल में एक देश है वहां चले जाओ, हमारे पास आने की तुम्हारी ताकत नहीं, हमारे पास नहीं। उसको साफ साफ कह देना हमारे पास गुरु बैठे हुए हैं, यहाँ कोई आने की ताकत नहीं करता, आप चले जाना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जमाने में भी एक बात हुई, एक राजा थे सूरत नाम के राजा थे, और अम्बरीश नाम के भी जानते हैं जो एकादशी का व्रत करते थे। उन्होंने अपने राज्य में एक अनाउंसमेंट दे दिया था, किस लिए कि एक बार बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा था और यज्ञ चलते चलते अप्सरा एक गलती करने का शापवश वो नीचे आकर गिर गई थी। उसकी सुंदरता देखकर राजा ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरी बन के रहोगी क्या? अप्सरा ने कहा तुम्हारी बन के रहने बात है, पहले मैं उठूंगी तो यहाँ से मैं आपका आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, मैं यहाँ से उठ भी नहीं सकती। तो नहीं क्या इसके लिए तुम बोलो मुझे क्या करना है। तो उस राजा को उन्होंने कहा कि यहाँ कोई अगर एकादशी का व्रत करता है तो उसको बोलो कि उसका दशांश पुण्य मैं मुझे दे देती हूँ, तो मैं यहाँ से उठ के चले जा सकती हूँ, एकादशी का व्रत करता है। राजा ने पूरे अपने देश में कहा कि कोई एकादशी व्रत करने वाला आता है उसको इनाम दूंगा, आ जाओ, क्योंकि उसको अवसर चाहिए थी। तो उसने राजा ने देखा तो कोई एकादशी व्रत नहीं करता। आखिर उसने कहा अरे भाई कोई एकादशी नहीं करता तो कम से कम इस एकादशी के दिन कोई बिना खाए बैठा हुआ है तो ऐसे आदमी का पुण्य भी मुझे दे दो, वो एकादशी व्रत ना करे तो उस दिन खाया नहीं हो ऐसे आदमी को भी बता दो। देखा तो एक कोई वैश्य की पत्नी, उसने कहा हाँ मैं इस दिन खाना नहीं खाया हूँ क्योंकि मेरा पति बहुत मार मार के मुझे ये कर दिया और एक कमरे में डाल दिया था, मैं भूखी हूँ, सुबह से कुछ भी खाना पिया नहीं है। तो उसने राजा ने उस स्त्री को बुलाया और बोल कि तू जो एकादशी का उपवास किया है उसका फल मैं इसको दे रही हूँ। तो उसने कहा कि मैं राजा तुम कहते हो तो देती हूँ, लेकिन मुझे पति से बचाना, मैं तेरे पति को देख लेता हूँ, तो पुण्य दे दे बखरा उठने दे। उसने बोला कि तुम जैसा कहते हो मैं ऐसा मेरा उस दिन का उपवास का व्रत फल मैं उसको दे देती हूँ। उसने जैसा ही दिया अप्सरा उठ खड़ी हुई और आकाश में उल्टी चली गई। अब राजा गया, राजा परेशान हो गया, अरे ये ऐसा कैसा हो। तो उसने राजा ने क्या किया, अपने सभी भगवान के पास गया, मुझे तो अप्सरा चाहिए। तो राजा को उसने कहा जिस एकादशी के व्रत से केवल उपवास करने मात्र से उठ के चले जाती है तो तू ऐसा क्यों नहीं करता कि तू एकादशी व्रत कर वही तेरे पास आ जाएगी। राजा ने एकादशी व्रत आरंभ किया तो देखता क्या कि अप्सरा फिर चली आई और कहा कि ये राजा तुम चाहते हो तो तुम भगवान इंद्र से मुझे मांग लो, मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान इंद्र से कौन मांगे, राजा को इंद्र के पास जाने की कोई शक्ति नहीं। तो बोले भगवान इंद्र के पास कैसे जा सकता है, बोले एकादशी का व्रत अगर करते हो तो आपके पास जरूर मैं आ जाऊँगी, इंद्र आपके पास आएंगे। राजा ने क्या किया, अपने परिवार वालों ही नहीं पूरे देश में बोल दिया कि एकादशी व्रत जो नहीं करेगा उसको शिक्षा मिलेगी, मैं शिक्षा देता हूँ सारे लोग एकादशी व्रत करो, क्योंकि अपने को उसको अप्सरा चाहिए थी। एकादशी व्रत उसने सारे अपने देश में बोल दिया कि एकादशी का व्रत करना है और एकादशी व्रत सब लोग करने लगे।
करने लगे तो हुआ ये कि उस राज्य में कोई ना मरता कोई ना जीता, सब लोग आनंद के साथ सुख सौभाग्य के साथ है। अब राजा भी इतना सुख सौभाग्य हो गया कि उसको अप्सरा की याद नहीं है। आखिर ये सब देख लिए कि परेशान भगवान इंद्र हो गया, अरे कल तक मेरे को पूजा करने के लिए एकादशी करना था, मुझे पूछना भी नहीं कि मुझे आना चाहिए ना अप्सरा आनी चाहिए, किसको पूछना है, आनंदित है। तो वहां से गए और भगवान अब ये देखकर इंद्र के पास यमधर्मराज आए और बोलने लगे कि हे भगवान, हे इंद्र भगवान, तुम्हें क्या बताऊं, अब अपने को विष्णु भगवान के पास जाना होगा। क्यों बोले, अरे उस देश में एक आदमी मरता नहीं, मेरा पूरा घर खाली है, कोई एक आदमी नहीं है, सब पुण्यवान हो मरते नहीं हो रहा है, एकादशी का व्रत करना, तो अब क्या करना चाहिए। उन्होंने बोले सब लोग मिलकर भगवान विष्णु के पास जाएंगे और बोलेंगे कि नरक खाली हो गया है, स्वर्ग में भी कोई नहीं आ रही, नरक में कोई नहीं आ रही, एकादशी का व्रत चल रहा है। वो लोग भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि प्रभु ऐसा कुछ करो कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है और यहाँ एकादशी का व्रत हो नहीं रहा है, इसलिए हमारे पास तो यानी कि हमारा नरक और स्वर्ग जो भी खाली है, पृथ्वी से कोई आ ही नहीं रहे। तो भगवान विष्णु ने कहा अब इसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप साक्षात शिव जी के पास जाओ, एकादशी का व्रत करने वाले को नहीं करूँ अगर मैं कहूँ तो कल के दिन मेरा हाल हो जाएगा, मेरे पास भी नहीं आएंगे, मेरा व्रत छोड़ देंगे, तो फिर आगे कैसा होगा। सभी लोगों ने कहा और उस देश के राजा के पास गया कि यह नियति का एक खेल है कि माया का खेल है, अगर जो जन्म लेता है तो मरता है जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा जरा मरण या किसी ऐसी से रोगों के कारण को ही नहीं मरना चाहिए और आनंद के साथ मृत्यु को प्राप्त हो तो वो श्रेष्ठता कहलाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि राजा जो अपने जीवन से तृप्त हो गया हो उसको ही मरण प्राप्त हो, अकाल मृत्यु ना हो, छोटे बच्चे ना मरें और छोटे बच्चों की मृत्यु ना आए, ऐसा कुछ करने के लिए बोलो जो बूढ़े हो गए और जिनको अपने संसार का सारे सुख उपभोग ले लिए हैं वो लोग चले जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब उन्होंने सभी ने एक महीने के बाद भगवान विष्णु के पास गए, ऐसे ही जो अपनी इच्छा से मृत्यु चाहेगा उसे ही मृत्यु मिल जाएगी, ऐसा भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया। और ये वरदान देने के बाद एकादशी का व्रत सभी लोग करते थे और उस देश में उस प्रकार हुआ कि मृत्यु ही वो देश चलता रहा। मैं भी आज यही कहता हूँ कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का निखिल चेतना केंद्र का कोई भी व्रत करो, निखिलेश्वरानंद जी का जप करो, निखिलेश्वरानंद जी का मंत्र करो, यहाँ भी मृत्यु नहीं आएगी। आप सभी से ये क्यों कह रहा हूँ कि आज के दिन और आने वाला कल जो है इसके बारे में अगर हम सोच में पड़ जाए तो महामारियां तो आई ही आएंगी, बीमारियां आएंगी, युद्ध होंगे, लोग ऐसे भविष्यवाणी कहती हैं कि ऐसा होगा, तूफान आएंगे, जल आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। आप हर लोग हर